Hello kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start the B section of the fourth unit of our English channel book. The name of the chapter is The Lama, which is actually an extract from the story A Karwa, a Karwa to Tibet. Yeah, Karwa to Tibet, which has been written by Deepa Agarwal. नाउ कारवा टू टिबिट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग वाई बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्म्स बट आपको ये जो एक्स्ट्रैक्ट दिया है एक्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपको इस बुक में दिया हुआ है तो ये जो चैप्टर ये जो एक्स्ट्रैक्ट है इसमें हम बात करने वाले हैं एक छोटे से बच्चे की जो कि अराउंड फोर्टीन ईयर्स का है और उसकी जर्नी के बारे में उसके बारे में ना अब क्या है ना इस बुक में आपको उसके बारे में स्टार्टिंग में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है सो सिंस आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक आर टू टिबेट आपको मैं इसका थोड़ा बहुत स्निपेट्स दूंगी ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो जाएगी अदरवाइज चैप्टर ना कंफ्यूजिंग लगेगा आपको लगेगा यार ये कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए इस चैप्टर के समझने से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर बट बिफोर वी डू एनी ऑफ दीज अबाउट आर ऑथर हु इज दीपा अग्रवाल नाउ दीपा अग्रवाल इज एन ऑथर शी इज अ पोएट एंड ट्रांसलेटर

जो कि हिमालयन हिल्स ऑफ में है इंडिया में ही है हिमालयन हिल्स में है ड्यूरिंग प्रीवियस उनके जितने भी वहां पे जो लोग हैं वो लोग टिबेट जाते रहते थे तो उनके फादर के साथ लास्ट जो ट्रिप थी जहाँ वो लोग टिबेट गए थे उसमें उसके फादर जो हैं, वो मिसिंग आती है मतलब वो जो है वापस नहीं आते घर वो जो है घूम जाते हैं लोग उनको ढूंढ नहीं पाते अब वहाँ पे जो हुआ है, region, तो क्या होता है सबको लगता है कि वो अचानक से मिस कैसे हो गए हो सकता है वो अब नहीं रहे उनकी डेथ हो चुकी है बट देबू हैज रीजन टू बिलीव दैट हिज फास्टर फादर इज अलाइव लेकिन देबू को लगता है नहीं उसके फादर अभी भी जिंदा हैं he has seen his father's amulet on the chain of sonam dalka a tibetan ab sonam dalka ek aur yahan pe character hai jo ek tibetan hai jo tibet se hain और यहाँ पे, पे उसने अपने father का amulet देखा था amulet मतलब pendant देखा था उसकी chain में तो उसको क्या लगा कि अगर मेरे फादर का एम्यूलिट इसके पास है इसका मतलब मेरे फादर जिंदा हो सकते हैं हो सकता है वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं है their ट्रेडिंग ट्रिप दिस ईयर अब वो लोग टिबिट क्यों जाते थे पैसा कमाने के लिए जाते थे ट्रेड करने जाते थे मतलब अपना सामान बेच के वहां से सामान लाने के लिए जाते थे अब देबू को अपने फादर को ढूंढना था तो देबू ने क्या रिक्वेस्ट किया That please, मुझे भी अपने साथ आने दो तो उस जो कारवा का जो पूरा हेड था जिनका नाम है कल्याण सिंह कल्याण सिंह क्या थे वो लीडर थे उस पूरे कारवा के तो उस कारवा के लीडर ने पहले तो वो रिलकटेंट थे रिलकटेंट मतलब मान नहीं रहे थे मना कर रहे थे लेके जाने को बट बाद में उन्होंने देबू को बोला कि चलो तुम प्रिपरेशन कर लो हम चल रहे हैं देबू हैड नथिंग टू ट्रेड लेकिन देबू के पास कोई पैसा था नहीं अब देबू जो है उसकी जो माँ मॉम थी उनकी री मैरिज हो चुकी थी और उनके जो मतलब उसके जो स्टेप फादर थे उनका नाम था त्रिलोक सिंह लेकिन वहां पे उसको त्रिलोक सिंह से बहुत डर लगता था त्रिलोक सिंह उसको बहुत गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव करता था और उसको ऐसा लगता था कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला जाए

क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स अब मोनास्ट्री जो थी वो पूरी की पूरी उसमें छोटी -छोटी मतलब था, था, मतलब तो बहुत सारी सिमिलर बिल्डिंग्स का एक क्लस्टर था वो मोनेस्ट्री सराउंडेड बाई अ वॉल जिसके चारों तरफ एक वॉल थी क्लिंगिंग टू द स्लोप ऑफ अ हिल क्लिंगिंग टू द स्लोप ऑफ अ हिल मतलब एक हिल के स्लोप से लगी हुई वॉल थी उधर पे वहां पे मोनेस्ट्री थी द बेल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स द एंड ऑफ वुडन वु टर्न अपवर्ड्स अब वो जो थी सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब जो नॉर्मल जो ईंटे होती है ना उससे बनी थी वो पूरी मोनेस्ट्री और उसकी जो छत थी उसकी जो रूफ थी वो आगे से लास्ट में एज में अपवर्ड बेंड थी इसका मतलब जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये इस तरीके से इसका डिजाइन है तो एंड में वो अपवर्ड बेंड है clear now two fierce looking statues of lions guarded the gates तो जो मेन गेट था वहां पे दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक से दिखते हुए लायन की स्टेच्यूज थी देबू एंटर्ड विद मिंगल्ड होप एंड क्यूरियोसिटी देबू जो था उसने उस मोनेस्ट्री में एंटर किया विथ मिंगल्ड होप एंड क्यूरिया मिंगल मतलब मिक्स भाव थे उसके अंदर क्यूरियसिटी भी थी मोनेस्ट्री को देखने की क्योंकि वो पहली बार आ रहा था और उसके अंदर एक होप भी थी क्या कि हो सकता है मुझे यहां मेरे फादर मिल जाए वी ऑलवेज पे आर रिस्पेक्ट टू द लामाज कल्याण सिंह विस्फोर्ड दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल विच टेक केयर नॉट टू डिसप्लीज़ देम अब उन्होंने देबू से क्या कहा वी ऑलवेज पे आर रेस्पेक्ट टू द लामाज तो जो लामा मतलब जो हैड होते हैं मोनास्ट्री के तो उनको वो हमेशा हम लोग जाते हैं और उनको रेस्पेक्ट पे करते हैं बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम उन्हें डिसप्लीज करें बट देबू वॉज बिजी टेकिंग इन न्यू साइट अब कल्याण सिंह देबू को ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो एक बच्चा था और वो एक मोनास्ट्री में पहली बार जा रहा था तो वो नहीं चाहते थे कि, कि किसी भी तरीके से देबू जो है कोई ऐसा काम करे वहां पे जिससे लामास को डिस

प्रेयर सिलेंडर्स फ्लैग्स एंड प्लेस हेयर एंड देयर तो हर जगह प्रेयर सिलेंडर्स थे तो बहुत बड़े बड़े ऐसे सिलेंडर्स होते हैं जिसमें प्रेयर्स लिखी होती है उन्हें प्रेयर सिलेंडर्स कहते हैं फ्लैग्स थे तो अगर आपने कभी भी देखा होगा लद्दाख में भी अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके की जो होते हैं फ्लैग्स रहते हैं वहां पे पूरा लगे हुए रहते हैं एंड याग की टेल आपको हर इधर उधर कहीं पर भी दिख सकती थी

इस तरीके से जो उसका जो रूफ है रूफ पे पूरा जो है क्लोथ का जो फ्रिल वाला जो क्लोथ होता है वो इट वॉज रनिंग अराउंड मतलब पूरी जगह पे वो आ, उन्होंने बनाया हुआ था बिछाया हुआ था ऊपर बांधा हुआ था इट हैड रेड पिलर्स अब जो वो बरांडा था वो जो मोनास्ट्री का जो कोट था उसमें रेड पिलर्स थे एंड एन ऑनिट प्रेयर व्हील ऑनिट मतलब बहुत ही सजी हुई प्रेयर व्हील थी तो ये होती है एक प्रेयर व्हील तो ऐसी एक बड़ी सी प्रेयर व्हील थी वहां पे टॉलर देन देबू हिमसेल्फ वो इतनी बड़ी थी कि वो चौदह साल का जो देबू था उससे भी बड़ी थी वो प्रेयर व्हील सोनू स्पन इट देन फोल्डेड हिज हैंड्स रेज देम टू हिज हेड एंड प्रोस्ट्रेटेड Himself on the ground. अब जो उनके साथ कार्रवा में एक और जो था लड़का जो आया था he spun it. उसने उसको घुमाया वो जो प्लेयर व्हील थी उसने उसको घुमा हाथ जोड़े रेस टू हिस्सा हाथ जोड़ के उसने अपने सर के ऊपर लेके गया एंड प्रोटेस्टेड हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड प्रोटेस्टेड मतलब होता है साष्टांग कर देना सो इफ यू कैन सी देर ऑल लाइंग डाउन अपने हाथों को आगे रखते हुए इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट करना प्रोस्ट्रेट मतलब उंड सो एज टू बी लाइंग फेस डाउनवर्ड्स मतलब आप फेस नीचे करके आप उसको पूरा जो जमीन पर साष्टांग करते हो उसी को कहते हैं प्लॉस्ट्रेट करना देन एंटर थ्रू मल्टी कलर डोर विद्राइट स्टेप्स ऑफ क्लोथ हंग ओवर इट तो उन सबने वही काम किया एंड देन एंटर थ्रू मल्टी कलर डोर फिर एक बहुत बड़ा सा बहुत ही कलरफुल सा डोर था उसमें उन्होंने एंटर किया अब उस डोर में बहुत सारे ब्राइट स्ट्रिप्स लगे हुए थे कपड़ों के और वो मतलब उसपे लटके हुए थे द सेंट ऑफ बर्निंग एंड बटर लैम्प वॉज द सेम एज इन टेम्पल्स बैक होम अब उसने क्या कहा वहां पे जो अगरबत्ती के जलने की खुशबू आ रही थी और जो घी के दिए जलाए गए थे बटर लैम्प मतलब जो घी के दिए जैसे जलाते हैं उनकी खुशबू वैसे ही आ रही थी जैसे हमारे घरों में जो टेम्पल्स से आती है he could hear a regular droning sound coming from inside ab usko ek continuous droning sound aa raha tha droning ka matlab hota hai make a continuous low humming sound to तो ek low humming sound jo hota hai wo usko continuously sunai deta tha like आप जब chant करते हो आप मंत्र उच्चारण करते हो तो आपको जो कैसी sound आती है वैसी उसे sound आ रही थी अलोंग विद द साउंड ऑफ द गोंग्स अलॉन्ग विद्स मतलब ये होता है गोंग जैसे एक बहुत बड़ा सा जैसे घंटा जैसा होता है जिसको वो लोग बजाते हैं तो अलॉन्ग विद्स gongs, तो गोंग्स के साथ उसको ड्रोनिंग की आवाज भी आ रही थी इट्स द मॉन्ग्स चैंटिंग देयर प्रेयर्स सोनम दरका सेट फिर सोनम ने सोनम दरका ने उसे क्या बताया कि ये जो तुम्हें कंटिन्यूसली ड्रोनिंग साउंड आ रहा है हमिंग साउंड आ रहा है ये मॉन्ग्स हैं जो चैंट कर रहे हैं मतलब जो मंत्र पढ़ रहे हैं देबू एंटर दैम्बर हेजीटेंटली ओवरऑट बाय द प्रेजेंस ऑफ येलो रोब्स ग्लीमिंग इमेज लिड बाय रोज एंड रोज ऑफ लैम्स तो देवू ने जैसे ही वहाँ पे ऑडियंस चैम्बर मतलब जहाँ पे आप जाके मिल सकते हो उन लोगों से उसमें जैसे ही उसने एंटर किया एंटर करा उसने बहुत हिचकिचाते हुए हेजिटेंटली का मतलब क्या है बहुत ही हिचकिचाते हुए उसने वहां एंटर किया ओवर ऑर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द शेवन हेडेड मॉन्ग्स ओवर ऑर्ड मतलब ओवरऑल का मतलब होता है इम्प्रेस सो मच दैट समबडी गेट साइलेंट आप देख के इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि आप कुछ बोल ही नहीं पाए so साइलेंट सो ही क्या क्या देखा उसने उसने देखा बहुत सारे बहुत सारे जो है मॉन्ग्स थे वहां पे जिन्होंने अपना हेड शेव किया हुआ था येलो कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और वहां पे हजारों दिए लगे हुए थे सो यहाँ पे मतलब रोज एंड रोज ऑफ लैम्प व्लीमिंग मतलब होता है शाइनिंग

और वहाँ पे एक ने देबू को देखा शी हैड मेनी आर्म्स लाइक मतलब वन ऑफ देम कैप्चर्ड मतलब एक जगह देबू की नजरें जाके टिक गई देखा नहीं एक जगह देबू की नजरें जाके टिक गई सो कैप्चर्ड गेज मतलब सपोज मैं ऐसे देख रही हूँ अचानक से किसी चीज ने मेरी नजरों को मेरी जो मैं देख रही हूँ उसको कैप्चर कर लिया मतलब मे बी आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग तो एक चीज ने देबू की जो आई साइट थी उसको गय, उसको कैप्चर किया क्या था वो शी हैड मैनी आर्म्स जस्ट लाइक द हिंदू गॉडेस काली एंड वो स्लेंग डेमन अब यहाँ पे वो जिसको उसने देखा था वो डायटी वो जो भगवान की जैसी एक पूरी जो मूर्ति थी उसमें ही सौ की एक ना गॉडेस थी ऑलमोस्ट लाइक like जो हमारी काली माता होती है जो हिंदू गॉडेस होती है काली तो उन्हीं के जैसे ही एक बहुत बड़ी सी गॉडेस थी वो वो स्केलेंग डेमन मतलब वो एक राक्षस को मार रही थी वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे होता है वैसे ही दे वुल हैंड बिल्स टू लाइक द वस दूस वैसे हमारे पास हैंड बिल्स होती है जब हम आरती करते हैं तो वैसे ही वहां हैंड बिल्स भी रखी हुई थी बैक देन ही लुक दराउंड तो जो पूरे जो वॉल्स थे उसमें बुद्धा के लाइफ में जो भी uh, you know, जितने भी सीन्स थे जितने डिफरेंट प्लॉट थे उन सब की पिक्चर्स जो थी वो पेंटेड थी तो वहां पे जैसे बुद्धा जब छोटे थे जब उन्हें एनलाइटमेंट अचीव हुआ किस तरीके से वो अपने जो डिसिपल्स uh, थे उनको प्रीच कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी तो ही वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट तभी उसके थॉट्स ने उसे वापस लेके आया वरना वो खो गया था कुड ही डेयर टू आस्क द लामा अबाउट हिस्स फादर नाउ उसने जब देखा उसको लगा ये प्लेस पक्का कुछ बहुत बड़ी प्लेस है एंड लामा लिटरली हैज पास देन ही रियलाइज क्या मैं इनसे अपने फादर के बारे में पूछ सकता हूँ सडनली ही फील्ड कोल्ड और सडनली उसको लगा नहीं यार आई शुड नॉट डू दैट हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट दे ऑलवेज ऑफर्ड टू द तभी उसे याद आया

हुआ हो सकता है जो लामा है वो अनोयड हो जाए हो सकता है लामा लामा को इंसल्टेड हो Slighted का मतलब क्या होता है insulted हो सकता है लामा को को हो हो अगर वो गुस्सा गए तो, बैक तो को लगा मैं अगर आगे खड़ा रहूंगा तो मुझे भी जाके कुछ देना पड़ेगा तो उसने क्या किया वो पीछे की तरफ जाने लगा ताकि वो दिखेगा ही नहीं उसको जाना ही नहीं पड़ेगा उसे कुछ गिफ्ट देना ही नहीं पड़ेगा कम फॉरवर्ड कल्याण सिंह तो कम फॉरवर्ड जैसे ही वो पीछे जाने लगा तो जो लीडर थे कारवा के कल्याण सिंह उन्होंने बोला आगे आओ. At his elbow. का मतलब क्या होता है उसके एल्बो को ऐसे इस तरीके से पकड़ के उसको खींचते हुए कि आगे आओ सी दैट दामा ऑफ दिस मोनेस्ट्री तो उन्होंने बताया देखो देखो वही हैं जो इस पूरे मोनेस्ट्री के हेड लामा हैं वो देबो लुक नर्वसली तो देबो ने देखा किसके बारे में बात कर येलो क्लैड फिगर सीटेड ऑन द गिल्डेड सोन वॉज अ बॉय जैसे ही देखा। like, उसने देखा कि कौन है तो उसने देखा एक येलो क्लैड फिगर मतलब जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे

वो उस बेबी के लिए जो जन्म ले चुका है हु वुड बी द सक्सेसर ऑफ द हेड लामा उनको ढूंढते थे वेरियस साइंस एंड टेस्ट हेल्प देम टू प्रूव दैट ही वाज द राइट वन बहुत सारे साइंस ऐसे होते थे जो उन्हें मतलब ऐसा पता लगता था और बहुत सारे टेस्ट जो है वो करते थे ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि वो सही बच्चा कौन है जिसने जन्म लिया है एज द हेड लामा

दिमाग में अभी भी थॉट क्या चल रहे थे जब वो झुका की हो सकता है ये जो लामा है ये तो छोटे हो सकता है ये उतना गुस्सा नहीं होंगे कि मैं इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया बट एज ही टॉप इन पॉकेट दयान हेम रोल्ड आउट लेकिन जैसे ही वो झुका तो उसकी जो शर्ट की पॉकेट में एक टॉप रखा था टॉप मतलब a twil, a जो होता है, टॉप मतलब तो देबू जो था एकदम से डर के मारे यू you नो know, एकदम फ्रोज हो गया मतलब एकदम थम, जम गया वो एंड देन उसने फटाक से जाके वो टॉप उठा लिया बट वेन ही ग्लैंडली बट वेन ही सॉरी माफी वाले अंदाज में जब उसने ऊपर देखा ही सॉ द लिटिल लामाज ब्लैक आईज ग्लिटरिंग विथ एक्साइटमेंट तो उसने क्या देखा वो जो लिटिल लामा था हेड लामा था उसकी आंखों में बहुत सारी चमक थी उस लट्टू को देख के

अगेन स्टेप बैक। ने वापस झुका और वो पीछे आ गया रिलीव को लगा जितने भी लोग आए थे फिर उन्होंने लामा को क्या दिया जो सिल्क के स्ट्रिप्स होते हैं उनके उनके लिए रोब्स लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे स्वीट्स लेके आए थे ये सारी चीजें उन्होंने गिफ्ट करी द लामा ब्लेस अब लामा ने सबको बहुत सीरियसली ब्लेस किया जबकि वो एक छोटा बच्चा था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत सीरियसली ब्लेस किया एंड अ मॉन्क और एक मॉन्क था वहां पे तो जो भी स्ट्रिप्स लेके आए थे वो उन्होंने जो आ रहे थे उनके गले में डाल दिया अराउंड गले में डाल दिया एंड गेव कल्याण सिंह तो जितने भी इनके जो कारवा के लोग थे उनके गले में जिन्होंने भी दिया था उनके गले में एक, एक सिल्का स्ट्रिप डाला और कल्याण सिंह को एक लेदर का पाउच दिया जिसमें घी था देन ही पोड टी फ्रॉमर कैचल इन टू द का वेस्ट बैग्स उसके बाद उन्होंने क्या किया जो उनका जो वेस्ट बैग था जो यहाँ पे आप जो बैग बांधते हो उसमें छोटे छोटे कप्स थे तो उस कप में एक सिल्वर कैटल था मतलब जो चाय जिसमें रखते हैं जो कैटल होती है वो सिल्वर कैटल थी उस सिल्वर कैटल से उन्होंने चाय जो थी उसमें डाली द लामा सेट पोलाइटली इन फ्लूटी वॉइस अब लावा लामा की जो आवाज़ थी वो एकदम फ्लूट के जैसी मतलब बहुत ही मेलोडियस थी तो उन्होंने क्या कहा इज ऑल वेल इज ऑल वेल इन योर कंट्री इज योर रूलर वेल तो उन्होंने क्या पूछा क्या आपकी कंट्री में सब कुछ ठीक है आपका जो राजा है क्या वो ठीक है कल्याण सिंह रिप्लाइड ऑन देयर बिहाफ इन द अफर्मेटिव तो अब उन्होंने तो सबसे पूछा था सब तो आंसर देंगे नहीं लीडर आंसर देगा तो कल्याण सिंह ने क्या बोला अफर्मेटिव मतलब उन्होंने हामी भरते हुए हाँ कहते हुए उन्होंने आंसर दिया एस द सॉल्टेड बटर टी

मतलब जो लामा जो क्वेश्चन कर रहा था ऐसा लग रहा था वो तो हर दिन हर किसी से वैसे ही क्वेश्चन करता होगा हिट did not want to make things awkward by asking questions for which there might be no answer. अब जो लामा जो क्वेश्चंस कर रहा था वो एकदम रूटीन क्वेश्चंस थे सब ठीक है कैसा चल रहा है ऑल दोज क्वेश्चंस उसको लगा अगर वो अपने फादर के बारे में क्वेश्चन करेगा तो हो सकता है वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट कर दे बिकॉज मे बी उनको उसके बारे में पता ही ना हो मे बी वो आंसर ही ना कर पाए उस क्वेश्चन को

up the gilded roof dramatically it its rays lit up the gilded roof gilded का मतलब क्या होता है covered thinly with gold leaf or gold paint तो अब जो आपकी जो monastery है वो पूरी ऊपर से गोल्ड कलर का पेंट होता है उसमें तो जब सन की जो रेस थी वो उस मोनेस्ट्री पे पड़ रही थी तो वो बहुत ही ड्रामेटिकली ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह को बहुत ब्यूटीफुल कर रही है और गोल्डन कलर दे रही थी ड्रामेटिकली मतलब जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं इट वाज लाइक नथिंग रियल द लामा सीम प्लीज विद योर गिफ्ट सोनम दरका स्माइल्ड अब जब वो वापस जाने लगे तो सोनम दरका ने देबू से कहा जो लामा है वो तुम्हारा गिफ्ट पाके काफी खुश लग रहे थे दैट टॉल मैन वॉज हिज फादर यू नो और सोनम ने क्या बताया उन्हें कि वो जो टॉल मैन थे जो कि उनके बगल में खड़े थे वो उनके फादर थे He added, अब सोनम दरका इज नॉट अ फीमेल सोनम दरका इज अ मेल वट एल्स वुड अ चाइल्ड बी हैप्पी विथ त्रिलोक सिंह बस्ट आउट स्कॉर्नफुली अब त्रिलोक सिंह कौन है त्रिलोक सिंह त्रिलोक सिंह वो आदमी है जिससे उनकी उसकी मॉम ने वापस शादी करी है तो त्रिलोक सिंह जो है स्टेप फादर हैं देवू के अब त्रिलोक सिंह भी आए थे इस कारवां के साथ तो त्रिलोक सिंह ने बहुत ही ज्यादा स्कॉनफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है द फीलिंग दैट अ पर्सन और द थिंग इज वर्थलेस बिनिथ कंसीडरेशन मतलब इन अ डिसडैन मैनर कि आ हाँ तो अगर लामा है तो क्या है इस तरीके का जो अंदाज होता है जिसमें आप सामने वाले को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते तो उसने क्या कहा हाँ तो एक बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दोगे तो वो खुश होगा और किस चीज से मन में क्या सोचा वापस ये अपने जैसे एकदम सेल्फिश से हैं वैसे ही एकदम मीन हो गए सेल्फिश हो गए ये एवर सेंस ही फॉलोन ऑफ द माउंटेन टूक है अब देबू क्या सोच रहा है कि जब से देबू जो था वो एक पहाड़ से गिरते गिरते बचा था अब वो कैसे गिरा कौन उसको गिराना चाहता था वी डो नॉट नो अबाउट इट लेकिन जैसे ही वो उस माउंटेन से गिरते हुए बचा था तब से लोग जो है वो काफी ज्यादा चुप है एंड ही इज विड्रॉन विड्रॉन का मतलब क्या है किसी से बात नहीं कर रहा है he doesn't want he देबु. वो देबु से जो है अलग अलग चल रहा है दूर चल रहा है दो देबू हैड नोटिस हिम टर्न अ सर्ली आई ऑन हिम एंड नाउ एंड अगेन दो देबी ने देबू ने नोटिस किया था कि ही वाज ही हैड अ सर्ली आई ऑन हिम नाउ अगेन सर्ली का क्या मतलब होता है कोई जब आपको एकदम बहुत ही गुस्से से या फिर है ना अनफ्रेंडली वे में जब देखता है उसे बोलते हैं सर्ली अनफ्रेंडली तरीके से जब कोई आपको देखता है कि इसको तो मैं देख लूंगा उस तरीके से जब आप देखते हो ना उसे कहते हैं सर्ली आइस तो उसने नोटिस किया त्रिलोक उसको इस तरीके से देख रहा था ही इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड कल्याण सिंह सेट विद अ वार्निंग फ्राउन अब जैसे ही त्रिलोक सिंह ने कहा कि हाँ तो एक बच्चे को खेल खिलौना दोगे तो खुशी होगा ना तो जैसे ये कहा तो कल्याण सिंह को बहुत जोर से गुस्सा आया व्हाट डिड ही से दैट वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है ही इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड एंड ही सेड दैट विद अ वार्निंग फ्राउन फ्राउन मींस क्या होता है आपकी जो भवों को आप ऐसे तन लेते हो आइब्रोस को यूं कर लेते हो दैट इज अ फ्राउन ही इज अ लामा ही टर्नड टू देबू

अब त्रिलोक सिंह को कोई रिप्लाई देने ही वाला था जब कल्याण सिंह ने क्या बोला फर्स्ट तो खतरे में डाल दी अब इस लाइन से आपको क्या पता चलता है इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि अभी जो देबू मन में सोच रहा था कि जैसे ही मैं माउंटेन से गिरते गिरते बचा था उसके बाद से त्रिलोक सिंह मेरे को ज्यादा मेरे साथ चल नहीं रहा है इसका मतलब कि त्रिलोक सिंह ही था जिसकी वजह से देबू जो है पहाड़ से गिरते गिरते बचा था Endangered मतलब खतरे में डालना पहले तो, तो तुमने किसी जो हमारे साथ चल रहे हैं, उसकी लाइफ खतरे में डाल दी एंड नाउ यू आर बींग डिसरिस्पेक्टफुल और अब जो है तुम इतने बदतमीजी से बात कर रहे हो अब तुम इतने डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो ये किसने कहा कल्याण सिंह ने कहा ऑन वी है बुद्धा एंड बीन ब्लेसिंग्स उन्होंने क्या कहा हम हमेशा से राम, लामास को बहुत ज्यादा ऑनर करते हुए आए हैं हम लोग बुद्धा के बुद्धा की पूजा करते हैं एंड वी हैव ऑलवेज रिसीव द लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स और उनसे हमें काफी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है यस yes, जीवन एडेड अब जीवन एक और उसी कारवा का एक और पार्ट था जीवन ने क्या बोला हाँ तो तुम हमारे लिए बैड लक लेके आओगे लामास जो है उनको बुरा लगेगा एंड दे विल जो वो हमें ब्लेस कर रहे हैं उसकी जगह वो हमें कर्स करेंगे तुम हमारी तरफ बैड लक लेके आओगे आई विल से वट आई वॉन्ट Said, and stormed off. ने क्या बोला मेरा जो मन करेगा मैं वही बोलूंगा ही मतलब क्या है इनर बोल्ड डिसोबिड मतलब जैसे ऐसे बोला हाँ मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा ओपन डिसोबिडियंस दिखा रहा था कि नहीं मानना मुझे किसी की बात ओपन डिसरिस्पेक्ट कर रहा था वो एंड स्टोमड ऑफ स्टोमड मतलब वॉक वे और वो उनसे दूर होके चलने लगा द अदर्स गेज आफ्टर हिम बाकी जितने भी लोग थे वो उसको घूरने लग गए द अदर्स गेज्ड आफ्टर हिम एंशियस फ्राउंडलिंग और सब लोग उसको इस तरीके से घूरने लग गए थे कि यार ये किस तरीके का आदमी है किस तरीके से बात कर रहा है देबू फाइंड इट हार्ड टू स्लीप दैट नाइट उस रात देबू जो है बिल्कुल मतलब वो सो ही नहीं पा रहा था उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्वेश्चन क्राउडेड हिज माइंड उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे दे वुड बीन गार्टोक अब वो बहुत जल्दी गार्टोक पहुंचने वाले थे मतलब उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था गोटोक क्या होगा अगर वो अपने फादर को नहीं ढूंढ पाया नो नो ही स्क्वैश डाउन द थाट मतलब जैसे ये थाट आया कि अगर मैं अपने फादर को नहीं ढूंढ पाया तो, तो जैसे ही आया तो स्कूश डाउन द थाट मतलब उसने उस थॉट को वहीं दबा दिया उसने उस थॉट को वही पे डिसमिस कर दिया definitely will the money bag felt like a lump of iron digging into his belly as he tossed and turned to ab usne socha nahi i will definitely find my father and he twisted and turned matlab jaise apan muh ke bal so jate hai na so he twisted and turned into his bed but अब देबू के पास जो silver tankas थे जो उसके पास money था जो वो trading के लिए लेके आया था वो उसने अपनी कमर पे बांधा हुआ था अब जैसे ही वो टर्न किया तो इट फेल्ट लाइक अ लंप बहुत ही हेवी लंप लगा जो उसको गड़ रहा था पर द सेम रेसलेसनेस ओके इट फील्ट सो अनकम्फर्टेबल दैट ही डिसाइडेड टू अन टाई इट एंड प्लेस इट अंडर द रोल्ड ऑफ शॉल दैट वॉज हिज पिलो तो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली तो उसने क्या किया उसने उसको वहाँ से निकाला अपनी वेस्ट से और जो एक शॉल था उसके पास ओढ़ने के लिए जो शॉल होता है उसी को वो पिलो बना के सोया हुआ था सो उसने उस शॉल के नीचे रख दिया उस चीज़ को Awake, awake रेस्टलेसनेस की वजह से जो वो सो रहा था उसके दिमाग में इतने क्वेश्चन आ रहे थे मे बी दिस वॉज द रीजन बिकॉज ऑफ विच उसकी आधी रात में नींद खुल गई नो इट वॉज समथिंग प्रेसिंग ऑन हिस्स चेस्ट ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम

Heavily close by. So, कोई उसको दबा रहा था कोई जो है उसके चेस्ट के ऊपर जो है कोई उसको एकदम दबा रहा था और वो सफोकेट कर रहा था और उसको समझ में आ रहा था कोई बहुत पास में खड़ा है क्योंकि वो उसकी सासों की आवाज सुन पा रहा थायर अग जैग मतलब विथ रफ शार्प पॉइंट प्रोट्रूडिंग एंडी तो रफ और रेपिटेटिव साउंड वो एक रफ और हेवी रेपिटेटिव साउंड सुन रहा था किसी के ब्रीदिंग की जो उसके बहुत पास में थी बट ही हैड रॉबर्स नेवर केम साइलेंटली। अब ये जो थॉट्स हैं ये बहुत जल्दी आ रहे हैं मतलब ही कुड फील सफोकेटेड कोई उसे दबा रहा है और At the same time उसको लग रहा है क्या है। ये कोई है? But then he कि कभी भी भी चुपचाप नहीं आते। आते वो 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 एकदम एकदम जोर से चिल्लाते हुए हैं हैं ताकि जितने लोग डर जाएं। और बंदूकें चलाते हुए आते हैं कुड इट वाइल्ड एनिमल देन हो सकता है ये कोई वाइल्ड एनिमल हो शुड ही क्राई आउट फॉर हेल्प उसने सोचा क्या मुझे आवाज लगानी चाहिए He was about to scream when he felt hands move down his chest. तो वो मतलब जो है चिल्लाने ही वाला था जब उसने फील किया कि चेस्ट से उसके जो हैंड्स हैं अब वो नीचे की तरह उसके वेस्ट की तरफ मूव हो रहे थे एंड रिकोगनाइज दैट नोशियस स्मेल और उसने क्या किया जैसे ही अब ये हैंड्स जैसे नीचे जा रहे थे अब वो जो स्मेल थी बॉडी का जो ओडोर होता है तो वो जो स्मेल है वो क्विकली उसको समझ में आ गया ये किसकी स्मेल है एज अ फ्लैश दे वुल रीच डाउट एंड ग्रैप द सर्चिंग हैंड्स तो वो जो है उसने क्या किया तुरंत अपने हाथ निकाले और जो जो हाथ ना सर्च कर रहे थे उसके तो पहले उसके चेस्ट को सर्च कर रहे थे फिर उसकी वेस्ट को सर्च कर रहे थे तो वो लोग जो भी ढूंढ रहे थे उसने तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन जैसे ही उसने उस बंदे के जो आदमी था उसके हाथों को पकड़ लिया ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन स्ट्रैंगल्ड का मतलब क्या होता है स्क्वीज और कंस्ट्रिक्ट द नेक ठीक है अब यहाँ पे क्या है स्ट्रेंगल्ड एक्सप्लेमेशन मतलब एकदम जैसे फंसने वाला आह करके जो एक्सप्लेमेशन आता है उसने वो चीज सुनी द हैंड फॉट फ्रेंटिकली टू फ्री देम अब जो वो मतलब हाथ थे वो एकदम मूव कर रहे थे ताकि वो देवू से अपना हाथ छुड़ा पाए फ्रेंटिकली मतलब इन अ हरीड एक्साइटेड और डिसऑर्गनाइज मैनर मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जो देबू ने उनके हाथ पकड़ रखे थे वो छुड़ा पाए देबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन और देबू जो था वो स्ट्रगल कर, uh, really तो कर रहा था था ही ही ओनली अ ओल्ड बॉय और ये जो जो दूसरा पर्सन सीम टू बी रियली तो देबू भी स्ट्रगल कर रहा था ताकि वो पकड़े रहे बट द हैंड्स वर फिंडशली स्ट्रॉन्ग लेकिन जो हैंड्स थे का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे

जो था वो कोशिश करा था जितना भी उसके लिए पॉसिबल है कि वो पकड़ के रखे लेकिन देबू जो है उन हाथों को पकड़ नहीं पाया क्यों क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ ग्रिप तो तुरंत उन्होंने वो जो हाथ थे जिसके भी हाथ थे उसने पकड़े हुए थे उसने अपने हाथ छुड़ाए और वहां से चला गया एंड फ्लंग ऑफ इज बेड क्लोथ्स

कोई जो था वहां से भाग रहा था स्टमब्लिंग का मतलब क्या होता है एकदम गिरते हुए जो है कोई वहां से भाग रहा था ही वाज अबाउट टू क्राई आउट गिव चेज व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हिम वो उस आदमी का पीछा करने वाला था वो चिल्ला के बाकी लोगों को उठाने वाला था लेकिन कुछ उसने सोचा और वो रुक गया इट वुड लीड टू मोर क्वैज़ल्स कुड इवन डिले देयर डिपार्चर हो सकता है अगर उसने चिल्लाया और यू you नो know, अभी उनका जो कारवा आगे जा रहा है हो सकता है वो लोग नहीं जाएं हो सकता है इसकी वजह से कोई सीरियस इश्यू हो जाए हो सकता है ज्यादा झगड़े क्योंकि उसको ये भी पता चल गया था कि वो आदमी कौन है ले डाउन अगेन वापस लेट गया एंड थैंक प्रोविडेंस और उसने भगवान को थैंक यू बोला प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है गॉड या नेचर या जिसको भी आप मानते हो अल्टीमेट पावर को तो उसने प्रोविडेंस को थैंक यू बोला फॉर द इम्पल्स फॉर द इम्पल्स फॉर द इम्पल्स का मतलब क्या है इम्पल्स मतलब जो आप अचानक से कोई डिसीजन ले लेते हो अर्ज जो होती है आपकी मतलब आपका बहुत जोर से मन करता है कि नहीं मैं ये कर लेता हूं तो उस इम्पल्स में उसने अपने वेस्ट से अपना मनी बैग हटा के कहा रख लिया था अपने शॉल के नीचे रख लिया था अगर वो ये काम नहीं करता तो हो सकता है जो भी आया था वो उसका मनी बैग लेके चला जाता उसके पास कुछ नहीं बचता ना ट्रेडिंग के लिए ना वापस जाने के लिए एंड दिस इज हाउ द प्रोविडेंस द अल्टीमेट पावर प्रोटेक्टेड हिम ही वुड बी वेरी केयरफुल नाउ और अब उसने क्या सोचा कि अब मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड दैट इज इट वी केम टू द एंड ऑफ द स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी द लामा Now, of course, this is only a small part of the story A Karma to Tibet. That is something very interesting. Iske baad debu ke saath kya hota hai? Wo interesting. Hai. So, if you want, you can always have a read and tell me ki wo book kaisi lagi. In our next video, we are going ahead with the summary of this chapter followed by question answers and the grammar solutions. So, stay tuned, stay with me because it is going to be a lot of fun thank you so much guys also remember that you can visit our website so i'll show you the summary later you can visit our website which is magnetbrains.com just go there click on courses you will have all the classes appear select on the class select the subject that you wish to study select the topic and then that's it your video will start thank you so much i'll see you soon take care bye bye